Jaipur, the pink city, the city which is famous for its color, architecture, royal palaces, and the local folk arts. So, welcome to Jaipur. हे गाइस, दिस वॉज द सेकेंड डे ऑफ राजस्थान और आज हम जयपुर साइट सीन पर निकले हैं एंड ये हमारा सेकेंड होटल है जयपुर में, पर्ल पैलेस हेरिटेज, अ ब्यूटीफुल होटल जो आप देख रहे हैं। यहाँ पर जस्ट चेक इन करके हम निकलने वाले हैं एक्सप्लोर करने जयपुर के कुछ मैजेस्टिक फूड्स और आज का डिनर होने वाला है चोकी ढानी में। सो लेट्स स्टार्ट आवर टुडेज जर्नी। इससे पहले कि हम अपने पहले स्पॉट पर पहुँचे, मैं आपको जयपुर के बारे में कुछ बताता हूँ। जयपुर सिटी वॉज फाउंडेड बाय किंग ऑफ आमेर महाराजा सवाई जय सिंह सेकेंड ऑन 1727। ये सिटी बनने में 4 साल लगे, जिसमें बड़े बड़े रोड्स, मार्केट प्लेसेस बने हुए हैं और इस सिटी को 7 गेट्स है। यहाँ के कुछ जाने माने बाजार जैसे त्रिपुलिया बाजार, बापू बाजार और भी मार्केट प्लेसेस है जो कि हम डेफिनेटली एक्सप्लोर करने वाले हैं। और कहा जाता है इस सिटी का नाम पिंक सिटी इसलिए पड़ा क्योंकि इन 1876 सवाई राम सिंह फर्स्ट जी ने HRH प्रिंस अल्बर्ट एडवर्ड के वेलकम के लिए पूरे सिटी को टेराकोटा पिंक कलर करवाया। और जब अल्बर्ट एडवर्ड आए तो उन्हें ये बहुत पसंद आया और उन्होंने कहा, वाओ, इट्स अ ब्यूटीफुल पिंक सिटी। और तब से इसका नाम हो गया पिंक सिटी। और इस पिंक सिटी को कुछ देर पीछे छोड़ के हम निकले 11 किलोमीटर दूर आमेर फोर्ट। यस, दिस वॉज द एंट्री गेट ऑफ आमेर। आमेर फोर्ट इज द बेस्ट प्लेस टू विजिट इन जयपुर बिकॉज ऑफ इट्स ब्यूटीफुल आर्किटेक्चर एंड रिच हिस्ट्री। ये बनाया था राजा मान सिंह जी ने करीब 17 सेंचुरी में। ये फोर्ट टोटल बनने में 100 साल लगे थे, जिसे सवाई जय सिंह सेकेंड जी ने 18 सेंचुरी में कंप्लीट किया। ये फूल दिख रहा है, तितली दिखाई दे रही है। देखना आपको ये है कि फूल और तितली के अलावा 10 एनिमल पार्ट्स और है, बताओ क्या क्या है इसके अंदर। बिच्छू का पूंछ है, बिच्छू एक सही हो गया, प्लस 10 नंबर आपको मिल गए। ये सांप है, सांप प्लस 20 हो गए। ये देखो, टेल ऑफ टाइगर है, एलिफेंट ट्रंक, फिश, स्कॉर्पियो, स्नेक कपल, डियर हॉर्न, हनी बी, एलिफेंट एयर, वन पीस मार्बल। आमेर फोर्ट इज ह्यूज, हैविंग अ एरिया ऑफ 4 स्क्वायर किलोमीटर। एंड हाँ, मैं सजेस्ट करूँगा इस फोर्ट को अर्ली मॉर्निंग में ही देखने जाए क्योंकि इस फोर्ट को अच्छे से घूमने में 2 से 3 घंटे आराम से लग जाते हैं। यही वो फोर्ट है जहाँ बॉलीवुड मूवी जोधा अकबर के कुछ पार्ट्स की शूटिंग हुई थी। Oh.
इस फोर्ट को एंजॉय और फील करके हम निकले इसके आर्टिलरी फोर्ट। जी हाँ, जयगढ़ फोर्ट। अभी हम लोग पहुँच गए हैं जयगढ़ फोर्ट पे। अभी आपको जयगढ़ फोर्ट की चीज़ें दिखाते हैं। जयगढ़ फोर्ट, ये फोर्ट आज भी रॉयल फैमिली के अंडर में है और अच्छी तरह से मेंटेन भी। और हाँ, जयगढ़ फोर्ट आमेर फोर्ट का तोफखाना हुआ करता था, बट अब ये फेमस है दुनिया की सबसे बड़ी तोफ ऑन व्हील्स के लिए, जिसका नाम है जयवान कैनन। कहते हैं इस तोफ को रोटेट करने के लिए 4 हाथी लगते थे और 6 सोल्जर्स सिर्फ जैक एडजस्ट करने के लिए। और एक बात जो हमें शॉकिंग लगी कि इसे सिर्फ एक बार चलाया गया था और इसका गोला 35 किलोमीटर दूर जाके गिरा था, और जहाँ वो गोला गिरा वहाँ एक तालाब बन गया जिसे आज भी गोलीमार तालाब के नाम से जाना जाता है। और गाइड ने हमें बताया इसे वापस इसलिए नहीं चलाया गया क्योंकि इसकी आवाज़ सुन के आसपास खड़े सोल्जर्स बहरे हो गए थे, और उनके हिसाब से इसे हर बार चलाना मतलब अपने कुछ सोल्जर्स को बहरा करना इज़ नॉट अ गुड ऑप्शन। और इसके बाद हम गए म्यूजियम में जो फोर्ट पर ही है। और सच बता रहा हूँ गाइज, दिस आर नॉट ओनली फोटोज, अगर आप इसे फील करने की कोशिश करोगे यू कैन रियली अंडरस्टैंड कि वो टाइम कैसा था और उनकी लाइफस्टाइल कैसी थी। और उस फीलिंग के साथ आप डेफिनेटली ये सोचने पे मजबूर हो जाते हो कि बॉस, आज जो हम लाइफ जी रहे हैं ये सबसे बेस्ट लाइफ है। And after this, we are head to Nahargarh Fort. आ गए हम लोग नाहरगढ़ पे। जयगढ़ वॉज गुड, वो भी प्राइवेट प्रॉपर्टी है अभी तक बताया जितना भी हम लोग ने सुना। नाहरगढ़ भी है, अच्छा खासा है। ये टोटल एक ही बाउंड्री में है शायद, क्योंकि बहुत बड़ी बाउंड्री है इसकी। नाहरगढ़ फोर्ट को बनाया गया था 1734 में बाय महाराजा सवाई जय सिंह, और ये फोर्ट अरावली हिल्स के एज पे खड़ा हुआ है। उस वक्त का सिटी का सबसे स्ट्रॉन्ग डिफेंस पॉइंट ये फोर्ट हुआ करता था। यहाँ से पूरे जयपुर सिटी का व्यू इतना ब्यूटीफुल दिखता है कि आपका वहाँ से निकलने का मन ही नहीं करता। सब लोग सुबह से घूमते घूमते बहुत थक चुके थे और हमें और भी पॉइंट्स कवर करने थे, सो हम फोर्ट के अंदर तो नहीं जा पाए, बट वहाँ से व्यू एंजॉय करके हम निकले नेक्स्ट स्पॉट के लिए, टू जल महल। पैलेस इन द मिडल ऑफ मानसागर लेक इन जयपुर सिटी, और इस पैलेस में विजिटर्स को एंट्री नहीं है, बट आप इसके आसपास बोटिंग कर सकते हो। ये पैलेस भी बहुत खूबसूरत है। सो यहाँ पर कुछ फोटो सेशन होने के बाद हम चले पेट पूजा करने चौकीदार। Thank you.